नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं आपसे बात करूंगा दो ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप 500 रुपये की SIP लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस फंड में SIP की जाए। तो मैं आज आपको दो ऐसे अच्छे फंड बताने जा रहा हूँ जिनमें आप मात्र 500 रुपये की भी SIP लगा सकते हैं। अब 500 रुपये की SIP आपका गोल तो अचीव करके नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप 500 रुपये की SIP आप चलाते रहते हैं करीब करीब 30, 35 या 40 साल के लिए, तो आप 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज मैं उसकी आपसे बात करूंगा कि इस 500 रुपये की कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ गया गूगल की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो उन लोगों के लिए है जिनको 500 रुपये की वैल्यू वो नहीं समझते कि 500 रुपये से भी कोई इन्वेस्टिंग करके बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं उनको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि 500 रुपये की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो 500 रुपये की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि उस 500 रुपये की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। तो मैं आ गया हूँ SIP कैलकुलेटर पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि 500 रुपये की वैल्यू कितनी हो सकती है। दोस्तों हालांकि 500 रुपये से आप अपने गोल तो अपने जो शॉर्ट टर्म गोल हैं या मीडियम टर्म गोल हैं उनको अचीव तो नहीं कर सकते, लेकिन आप 500 रुपये से अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी वेल्थ को छोड़ के जा सकते हैं। यानी आप ये समझिए कि जो चीज़ आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, अगर आप 500 रुपये उनके नाम से अगर इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी अपने बच्चों के लिए वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए। तो मैं उसी चीज़ को मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये 500 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट लगाया है और मैंने सपोज करो कि कोई बंदा अभी 20 साल का है, तो एज़ पर द एज अजम्पशन मैं लेता हूँ कि वो 70 साल तक जीता है, तो मैं 70 साल के लिए तक कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं सोचता हूँ कि इसको 40 पे कर दिया जाए कि 60 साल की उम्र तक, और इसका जो मैं मिनिमम CAGR ले रहा हूँ वो 15% का ले रहा हूँ, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी 500 रुपये की वैल्यू है कि आपने हर महीने 500 रुपये करके इकट्ठे किए एट द एज ऑफ 20 के साथ से और 40 साल तक आप करते रहे, तो 15% CAGR पे आपको 1.5 करोड़ रुपये आपका इकट्ठा हो गया और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 2.4 हो गया। अब सपोज करिए कि आपने ये पैसा है वो आप अपने बच्चों की वेल्थ में लगा रहे हैं, तो अपने बच्चों की वेल्थ में आप लगा रहे हो तो हो सकता है कि आप और लंबा इसको ले सके। तो इसको और लंबा ले जाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप 50 साल करते हैं। तो 50 साल करने के बाद क्या होगा कि ये जो 50 के जो आपके 1.5 करोड़ था, अगले 10 साल आपने और इसको कर दिया तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 3 लाख का। CAGR मैंने 15 ही लिया है और आपका जो पैसा हो गया वो 7 करोड़ हो गया। यानी आप अपने बच्चों के लिए 7 करोड़ रुपये छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन तब तक होगा क्या कि आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तो आप उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि वो चाहें तो उस पैसे को निकाले नहीं, उस पैसे में 500 रुपये अपनी तरफ से ऐड करना चालू कर दें। यानी ये जो 7 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है, यानी आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो आपके बच्चे उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगें और उनके बच्चों के लिए वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 30 साल और इसको कर दिया, मैं कहता हूँ 30 साल और इन्होंने कर दिया, तो टोटल आपका 80 साल हो गया। तो जो 7 करोड़ की वैल्यू है वो आपकी और कितनी बढ़ गई, यानी उनके पास कितनी पहुंच गई, 611 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अगर वो 30 साल, यानी अगर दो पीढ़ी 80 साल तक की SIP चला सकती है 500 रुपये की और मात्र 15% CAGR पे, जो कि इंडस्ट्री का बहुत मिनिमम है। अगर मैं इसको और कम कर दूं, अगर मैं कहता हूँ इसको और कम कर देता हूँ, मैं 12 कर देता हूँ कि 12 के बेसिस पे, तो भी आप 80 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि ये बहुत कम है। हालांकि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करेगी, लेकिन आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। जस्ट लाइक अ थिंक करिए कि आपके जो दादा होते हैं वो कोई खेत खरीदते हैं, फिर उस खेत की जगह आप
और खेत खरीदते हो, तो ऐसे करते करते जो पीढ़ी वाइज होती हैं तो वो काफ़ी अच्छी पीढ़ी बन जाती हैं और बहुत अच्छा रिटर्न कमा लेती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि 500 रुपये से मैं कितने रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ, आप ये सोचिए कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि मैं आज कोई एडवांटेज करूँ। तो आप सपोज़ करिए कि एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जिस बिज़नेस की जो लागत है वो 500 रुपये है, और हर महीने आप उसमें 500 रुपये अपनी तरफ से लगा रहे हैं, इसका रिटर्न आपको कब मिलेगा? जी इसका रिटर्न आपको बढ़ रहा है, आप ज़रूरत हो तो आप निकाल लीजिए, नहीं है ज़रूरत तो मत निकालिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसे आप ही के हैं। अब मैं दो ऐसे फंडों के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा जो आपको 500 रुपये की SIP ऑफर करते हैं। तो पहला जो फंड है वो है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, आप देख सकते हैं ये HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, ये वैल्यू रिसर्च करके ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस फंड की बात करूँगा तो ये HDFC का काफ़ी अच्छा फंड है, इसका जो AUM है वो 20,000 करोड़ का है, यानी इतने सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और इतना AUM ये कलेक्ट कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो 2.26 का है, हालांकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक्सपेंस रेशियो हर किसी फंड का इतना होता है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंड की डिटेल्स हैं, जैसे कि ये फंड हाउस कौन सा है, HDFC म्यूचुअल फंड है, लॉन्च कब हुआ था, 2007 में लॉन्च हुआ था, जो बेंचमार्क है वो मिड कैप 100 है, ठीक है, एग्जिट लोड वगैरह सब कुछ दिया है, अगर 1 साल से पहले निकालते हैं एग्जिट लोड है तो 1% रिडेम्पशन का लगेगा, और यहाँ पे जो मिनिमम SIP है ये देखिए 500 रुपये की है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का है, यानी आप SIP लगा सकते हैं इसमें 500 रुपये की। रिटर्न वैल्यू की बात करें तो सिंस लॉन्च इसने 18.5% का CAGR दे रहा है, तो हम तो इससे कम की उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ ये तो 17.5% का दे रहा है, हम तो 12% पे कैलकुलेट करके चल रहे हैं, अगर हमें 17.5 मिल गया तो इस वैल्यू की अगर मैं 16% पे बात करूं जो कि 71 करोड़ थे, तो ये 1,264 करोड़ हो गए। हालांकि देखिए इसकी वैल्यू इतनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सपोज करिए जब आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से जब आपको रिटर्न मिलता है तो वो आप ही खुद कंज्यूम नहीं कर पाते, वो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी भी कंज्यूम करती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत से पीढ़ी टू पीढ़ी बिजनेस करते रहते हैं, बहुत से लोग जो आज के टाइम में, जैसे कि मुकेश अंबानी की बात करूँ मैं, तो उनके फादर जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने 40-50 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके रिटर्न की वैल्यू आज वो कमा रहे हैं। तो ऐसी सपोज करिए कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी लागत मात्र 500 रुपये हर महीना है, तो आप 500 रुपये देते जाइए और आपकी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ का रिटर्न का बेनिफिट ले सकती है। तो 16% के हिसाब से आप देख रहे हैं कि 1,264 करोड़ रुपये आपका इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा है और इस टाइम पीरियड का जो बेनिफिट होगा आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी ज़रूर ले सकती है। तो आप आज सोचिए कि मुझे क्या करना है और आगे आने वाले दिनों में मेरे को उस चीज़ का क्या बेनिफिट मिल सकता है मेरे बच्चों के और उनके भी बच्चों के, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो चीज़ देखोगे। तो पहला फंड मैंने आपको बता दिया है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, दूसरा जो फंड है वो है सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप फंड। अब ये मिड कैप फंड मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों का होगा कि वो कहेंगे कि चलो 500 रुपये तो लगा रहे हैं बट थोड़ा सा रिटर्न वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस बेसिस पे मैं आपको इस फंड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इनके जो फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं, और यहाँ पे भी आपको मिनिमम जो SIP है वो 500 रुपये की SIP है, लेकिन इसकी जो रिटर्न वैल्यू सिंस द लॉन्च 2002 से लॉन्च हुआ है और 28% का CAGR आपको दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, हम तो 12% 15% मांग रहे हैं, 16% मांग रहे हैं, लेकिन ये 28% का CAGR आपको मिल रहा है। अब दोस्तों मैं एक ऐसी क्लियरिटी की बात करने वाला हूँ कि मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको ये पास्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन आप बहुत से ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब में जहाँ पे कि हो क्या हो रहा होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोल रहे होंगे, अरे जो चीज़ हो गई उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, सोचिए कि अगर आज जो डेट है वो आज से 5 साल पहले की होती, अगर 5 साल पहले की होती तब आप सोच रहे होते कि मैं उन फंडों को देखूंगा जिसकी रिटर्न वैल्यू 3 साल में अच्छी है, अगर उनमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे रिटर्न कैसे मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया कितना नहीं दिया, आप सिर्फ ये देखिए मुझे कितना चाहिए,
अगर मुझे 15 का CAGR मिल रहा है, चाहे वो कैसा भी फंड हो, चाहे वो HDFC का हो, चाहे वो आदित्य बिरला का हो, चाहे वो UTI का हो, चाहे वो सुंदरम का हो, चाहे कोटक का हो, मुझे 15% का CAGR मिल रहा है और मिल सकता है, मुझे उस फंड में पैसे लगाने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इन दोनों फंडों में पैसे लगाइए, मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोचिए कि मुझे कितना CAGR चाहिए। अगर आपका अपना गोल आपका अचीव होने में आपको दिख गया कि मुझे इतने परसेंट का CAGR चाहिए, तो आप अपने आप SIP करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं समझा सकता इस दुनिया में आके कि कितने परसेंट का रिटर्न कैसे मिलेगा। क्योंकि हर कोई एक एक्सपेक्ट करता है कि इकनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। आपका काम है इन्वेस्टमेंट करना, आप इन्वेस्टेड रहिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपका काम कर्म करना है, फल की चिंता मत करिए। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि सबसे कम अमाउंट की जो SIP है वो 500 रुपये की सबसे अच्छी होती है। आप इसको स्टार्ट करिए और कंटिन्यूसली आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। कभी मत सोचिए कि मुझे ये निकालना है, आप ये सोचिए कि ये मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जिस बिज़नेस की वैल्यू 60, 70, 80 साल बाद मिलेगी, जो कि मेरे बच्चों के काम आएगी, यानी आपकी थर्ड जनरेशन के काम आएगी। अगर वो थर्ड जनरेशन आगे इसको फॉलो अप कर सकती है, तो इस तरीके से आप बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और बिना कोई टेंशन, बिना कोई सरदर्दी, बिना कोई लोन लिए आप इस चीज़ को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको दो फंड बताने के लिए बात कर रहा था और बता रहा था कि 500 रुपये की SIP की कितनी बड़ी पावर बन सकती है अगर आप उसको कंपाउंडिंग में बेनिफिट करें। वॉरेन बफेट ने भी इसी तरीके से अपनी वेल्थ इकट्ठी करी है। 13 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की करना चालू किया था, आज वो 80 साल से ऊपर के, तो इसीलिए वो दुनिया के 3रे नंबर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर ना बन सकें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छी लाइफ जी सकें और उनके बच्चे और अच्छी लाइफ जी सकें, तो उनके लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। और मात्र 500 रुपये से आप स्टार्ट करिए और कंटिन्यूसली उसको चलने दीजिए, बिना टेंशन, बिना सरदर्दी, बिना मार्केट देखे कौन सा फंड कितने रिटर्न दे रहा है, इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपको सिर्फ उस चीज़ को फॉलो अप करना है और अपनी SIP को कंटिन्यूसली रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।